नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज लाइव में। और आज लेकर चलते हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर में आए हुए और यहाँ पे जानेंगे कि जनता का आखिर मूड क्या है। क्या लगा था चुनाव में? ठीक है, जोगी जी का काम तो ठीक है। जोगी बाबा फिर आएंगे, वो रहे हैं। अरे गाँव का रोडवा तो ना है, ठीक है। तो जोगी जी थोड़ा चोरों के क्यों का तो उनके चमचा जोगी जी क्या करेंगे जब चमचे खाकर बढ़ जा रहे हैं सब। जोगी जी तो बजट पास ही कर रहे हैं, बीच में जो चमचा बैठे हैं सब लेकर बढ़ जा रहे हैं। जोगी जी वहाँ से क्या करेंगे? बेरोजगारी में चमचवा के कुछ सुधारे खाते चिमचा उमचा ना हम से बढ़िया बाण कुल तो का कहीं जा मन तो कुल बढ़िया बाण से जुआर बाल बाण बंदूक हम लोग लबदा लेकर कैसे लड़ेंगे? यो कुल चले लगा चुन क्यों नहीं चलता है? तो हम लोग निहत्थे हैं, उन सबों के पास असलहा है, इसीलिए सब काम करते हैं। सब जैसे ही मर्जी वैसे ही गाँव में रोड रास्ता बनवा देते हैं। अरे गुंडा रखे हैं सब, दूध चट चट गंदक के बल पर। तो आइए कुछ यहाँ युवा साथी हैं और हंस रहे हैं, इनके भविष्य की बात है। फिलहाल हम इन युवाओं से भी बात करेंगे, जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हैं। भैया ये बताइए, इस सरकार में जो कितना रोजगार मिला आप लोगों को? रोजगार क्या मिलेगा, फिलहाल जो पहले काम धंधा कर रहे थे लोग, महंगाई की वजह से वो भी बैठे हुए हैं, अभी कोई काम धंधा नहीं है। तो महंगाई तो है नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि महंगाई है, सरकार कह रही है महंगाई कोई हमारे लिए बड़ी बात है नहीं। वो भी बात बराबर है आपका, हाँ, लेकिन फिर भी पहले से तो क्या महंगाई का कुछ असर लग रहा है? असर कुछ नहीं, देखिए जो पैसे वाले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। तो सरकार तो गरीबों के लिए तमाम योजनाओं को लेकर आ रही है, लेकर आ रही है, लेकिन जब योजनाएं गरीबों तक पहुँचेगी तब ना, वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। क्या राशन मिल रहा है, गेहूं चावल? कमी क्या है, कमी जो हमारे जैसे मान लीजिए पास पड़ोस में जो प्रधान है चाहे कुछ ऐसे जो है, उन लोगों से जब सुविधा उन लोगों तक पहुँचेगी तब न मिल पाएगा। यानी सुविधा धरातल पर मिल नहीं पा रही है? नहीं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा 2022 का चुनाव भी नजदीक है और गाँवों में कितना जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिला इसका असर। फिलहाल यहीं के एक BDC भैया, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर गाँव में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है भैया? राम भैया। विधानसभा में 15 साल से कोई विकास नहीं। तो क्या लगता है 15 साल में कुछ तस्वीर बदली आपके गांव? अभी तो देखिए नया प्रधान चुने हैं हम लोग, अब देखिए वो क्या करते हैं। बाकी तो पुराना वाले प्रधान जी देख ही रहे हैं क्या काम किए। तो क्या लगता है विधानसभा 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में कौन इस बार आने वाला है, किसको आप लोग चुनना चाहेंगे इस बार? देखिए इसके पहले सपा के विधायक सुधाकर सिंह थे, वो भी कुछ नहीं किए। फिर उसके बाद BJP के विधायक फागू चौहान जी थे, फिर वो चुनाव हुआ तो फिर BJP के थे। तो समझिए कि सपा और BJP दोनों ने काम नहीं किया है, अब चुनाव आएगा तो उस समय देखा जाएगा। तो क्या इस बार उलझन में जनता फंसी है कि आखिर कैसे उम्मीदवार को चुने, कैसे हम सांसद को चुने? उलझन में ही है, उलझन में ही पड़ा है। 2022 में योगी जी आएंगे, अखिलेश या मायावती, कौन आखिर? इस बार तो अखिलेश आएंगे। क्यों? योगी अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। योगी ने क्या दिए, 2 किलो चावल 5 किलो गेहूँ देने से थोड़ी नहीं होता है, किसी को रोजगार मिला है, 5 साल में कौन सी भर्ती आई? अरे तब भी गाँव में देख रहे हैं योगी योगी हो रहा है। अरे आने वाले कहेंगे अखिलेश आए। अरे BJP के साथ है अभी तो है भाई। तो क्या वजह है कि BJP के साथ है जब विकास नहीं हो रहा है? तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन मान लीजिए जो दलाल हैं अधिकारी हैं वही सब बांट रहे हैं पैसा को ले रहे हैं। विधानसभा 2022 का चुनाव है और काफी ये लोग भविष्य देश के आगे जो चलाएंगे, तो ये बताइए इस बार जो विधानसभा 2022 का चुनाव है कैसे नेता को चुनना चाहेंगे? युवाओं के लिए कुछ रोजगार मिला है 5 साल में? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं मिला। फिर भी योगी जी आएंगे? आएंगे। अरे अखिलेश के